तो नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाला हूँ तमाम बच्चों की। जो बच्चे दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का कल पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स देने वाले हैं, और पॉलिटिकल साइंस दोस्तों सब्जेक्ट ऐसा है ना, बच्चों को जल्दी पल्ले नहीं पड़ते दोस्तों। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर मैं दोस्तों थोड़ा कंपेयर करी बोर्ड से, मॉक टेस्ट से, फर्स्ट टर्म से, तो दोस्त क्वेश्चन एज इट इज सेम होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस वो थोड़ा सा घुमा कर देंगे, जो आपने पढ़ा है उसमें से आएगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हर क्वेश्चंस पे दोस्तों कम से कम 20 सेकंड जरूर दे देना उसको समझने में, बिना सोचे समझने जरूर दोस्तों लिखने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पे हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले, एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे, और वो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। यहाँ पे दोस्त मैंने आज सुबह एक वीडियो आई थी, आपने आई होप कि आपने देख लिया होगा उसको, और बाकी तो जितने भी हमारी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आई है प्लीज़ उसको देख लेना, सभी के मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि आप किस तरीके से एग्जाम्स में लिखो ताकि दोस्त पॉलिटिकल के अंदर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न्स की बात करूँ तो इसी साल से आपको पता होना चाहिए कि 20 मार्क्स के 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस साल से ही हुआ है। और हिस्ट्री का दोस्त अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्स काफ़ी सारे बच्चों का रोना रोना हो गया था, क्योंकि एक नंबर वाले में बहुत दर्द हुआ था बच्चों को, आया तो समझ में। लेकिन पॉलिटिकल वाले में इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्या करना है इसमें, ठीक है। तो एक नंबर वाले में दोस्त कोई भी ऑप्शन नहीं होता आपको कि आप किस तरीके से भाई नहीं ये नहीं आता तो बना के लिख दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसमें आपको मैन फैक्ट जो भी पूछा गया वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करें दोस्तों, कोई भी नेता उसका क्रांति गुरु क्या है, कोई भी घटना किस सन में हुआ था, कोई घटना किस राज्य में, और उस समय जो घटना घटी थी उस समय उसका नेता कौन था, दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रहे। और दोस्त उसके बाद फिल्म द ब्लैंक्स है, जो मैंने अपने टेस्ट पेपर में या क्वेश्चन पेपर शामिल किया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या दोस्तों मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, मनीष वर्मा गूगल पे सर्च करो, मेरी वेबसाइट आएगी, वहाँ पे दोस्त मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जो मैंने आपको दिया है इसके अंदर। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या रूस जो है नाटो का मेंबर है या नहीं है, आप सोचोगे कि रूस तो नाटो का मेंबर नहीं है, यही बोलने वाले हो ना, लेकिन दोस्तों रूस नाटो का मेंबर है, क्योंकि सोवियत यूनियन नाटो का मेंबर नहीं था। सोवियत यूनियन और रूस बहुत था डिफरेंट है, तो समझ में। तो रूस जो है नाटो का मेंबर है, तो यहाँ पे तो एक नंबर वाली जो बात है ना क्वेश्चंस के, उसमें तो आपको देखो सिंपल फैक्ट देना होता है, आप बना बिल्कुल भी नहीं सकते। डीपली बच्चा हुआ जिसने पढ़कर जा रहा है उसको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, साइड में जो बॉक्स एनसीईआरटी होती है उससे भी। बाकी दोस्त एक बार मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख कर जाना, क्लियर दोस्त। मेरी दोनों दो दो पीडीएफ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक दोस्त लगभग 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ उन 6 मार्क्स के क्वेश्चन वालों की, है ना दोस्त, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन वालों की, तो यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन हो एक नंबर को छोड़कर, वहाँ पे तो फैक्ट आपको देना ही है। बाकी दोस्तों 2 नंबर में, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स में और दूसरे 6 मार्क्स में, आपको सभी आंसर टू द पॉइंट देना होता है। बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं क्या, छोड़ दो ज़्यादा लिखना, बकवास बात है ये दोस्त। कंटेंट लिखने के मार्क्स मिलते हैं, सबसे पहले अगर 6 नंबर में क्वेश्चन लिख रहे हो आप, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखें, वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हो आप। उसके बाद दोस्तों उस क्वेश्चन का टू द पॉइंट्स डिस्क्राइब करें, डोंट राइट पैराग्राफ्स, आया तो समझ में। तो आपको यहाँ पर टू द पॉइंट्स देना है, फर्स्ट पॉइंट उसकी फिर एक्सप्लेनेशन, फिर सेकंड पॉइंट देन उसको एक्सप्लेन करो, फिर थर्ड पॉइंट फिर उसको एक्सप्लेन करो। 6 नंबर में दोस्तों 6 पॉइंट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। देन लास्ट में आप आकर दो, अगर वो क्वेश्चन में आलोचना क्रिटिसाइज हो सकता है या उसकी आप बुराई थोड़ी बहुत कर सकते हो, अच्छाई बुराई में तो हम कहते हैं ना एवोल्यूशन, एवोल्यूट करना, तो आप उसको भी कर सकते हो। लास्ट में एंड दोस्तों कंक्लूजन देना बिल्कुल ना भूलें, एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स आते हो तो, आए तो समझ में। तो इंट्रोडक्शन देन टू द पॉइंट्स, और अगर आप इसको बीच में दोस्तों किसी भी घटना से संबंधित किसी बंदे का नाम डालते हो, कोई सन डालते हो, फैक्ट डालते हो, तो आपके मार्क्स मिलने की संभावना पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, याद रहे। और दोस्त आपको लगता है कि ये लाइन मेरे पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अंडरलाइन करने से ये होता है कि जो आप टीचर को दिखाना चाहते हो वो दिख जाता है, क्योंकि दोस्त एग्जाम्स में आपको पता है कि ब्लैक पेन यूज़ करना मना है, क्योंकि सारा पेपर ब्लू पेन से ही करना होता है, और इसमें पूरा हलवा बन जाता है, पूरा जगह ब्लू 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 छा रहा होता है, आज ब्लू है, पानी पानी चल आया। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अंडरलाइन करके चलना है जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगता है वो, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस देना है। बाकी दोस्त इसके सिवाय कोई फॉर्मेट नहीं है, याद रहे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सीट भरते भरते चक्कर में टाइम ही भूल जाओ और बाहर निकल के सेंटर आके फिर बोलो यार ये क्वेश्चन तो आता था छूट गया,
बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ ऐसा ना करें, टाइम लिमिट के साथ बांध कर चले। और जो पैराग्राफ है दोस्तों उसको आप लास्ट में बच्चे सोल्व करते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन 15 मिनट जो आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है उसका आंसर ढूंढ ले पहले ही। आप क्या करते हो, 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? नहीं, पेपर दोस्त आप उस समय पढ़ोगे जिस समय आप क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हो। तो दो दो तीन तीन बार क्यों पढ़ोगे भाई, एक बार पहले पैसेज पर दे दो सारा टाइम, क्योंकि ये 15 मार्क्स मिलते फ्री के होते हैं। फिर कार्टून का आपका मैप का हो गया, क्लियर है दोस्त? इसके बाद आ जाएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले बड़े वाले क्वेश्चंस, फिर उससे बड़े वाले यानी कि फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर टू मार्क्स वाले, फिर वन मार्क्स वाले, देन पैसेज, उसके बाद कार्टून और मैप। इस तरीके से दोस्तों पूरा फॉर्मेट होता है एग्जाम्स करने का। बाकी दोस्त इतना ही कहूँगा इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ फॉलो करें। और लास्ट ईयर का पेपर आपने सोल्व नहीं किया तो शायद अब आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं दोस्तों सोल्व करने नहीं बोल रहा कि बैठ के अब लिखने बैठ जाऊँ, अब टाइम कम है। अगर एक दिन पहला एक दिन बच रहा है तो टाइम आप पे बहुत होता तो आप कर सकते थे लिख लिख के सोल्व। लेकिन दोस्त लास्ट ईयर पेपर सोल्व कर लेना, मैं आपको सारे लास्ट ईयर के पेपर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाए और सारे पेपर्स को सोल्व करें, समझे। कोई डाउट होता है तो दोस्त मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।